तो चलते हैं, आज है ऑडिशन दे, मतलब आज मुझे ऑडिशन बनाना है। ता जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्रोफेशनली आई एम एन एक्टर। तो गाइस ये मेरा लुक है और ये लुक में मुझे ऑडिशन बनाना था। एक काम करता हूँ, मैं ऑडिशन डालता हूँ, आप भी देख लो ऑडिशन कैसा है। ए, मेरे गोलू मोलू। तो ऑडिशन तो आपने मेरा देखा, सो ऑडिशन देखने के बाद जब भी मैंने फर्स्ट ऑडिशन भेजा तो फिर मेरे को क्या बताया कास्टिंग डायरेक्टर ने, आप वो सुनो। इसमें आपने सब चीज परफेक्ट किया है। सत श्री अकाल जी, माय नेम इज गुरजीत सिंह। सत श्री अकाल की दादी, माय नेम इज गुरजीत सिंह, आई एम बैक विद न्यू वीडियो गाइस, सो गुड मॉर्निंग। अभी नए दिन की साथ नई शुरुआत हो चुकी है, तो चलते हैं, आज है ऑडिशन दे, मतलब आज मुझे ऑडिशन बनाना है। जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्रोफेशनली आई एम एन एक्टर, तो मेरे अकाउंट चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने वर्किंग डाल के रखे हैं, मैंने यूट्यूब पे भी अपने बिहाइंड द सीन सीरियल वगैरह के डाल के रखे हैं, जो मैंने मूवी में काम किया उसके भी डाल के रखे हैं, जाके चेक कर लेना। सो आज मुझे बनाना है ऑडिशन, थोड़ा अपने आप को ग्रूम करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद घर पर आऊँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, फिर पटकी बांध के ऑडिशन बनाऊँगा, तो वो भी लुक मैं आपको दिखाऊँगा। अभी चलते हैं, पहले कुछ करवाना है, उसके बाद घर पर आके आपसे बात करूँगा। तो गाइस ये मेरा लुक है और ये लुक में मुझे ऑडिशन बनाना था, मतलब बहुत ज़्यादा जब भी ये वाला लुक आता है ना पटके का, क्योंकि मैंने एक पटका रेडी करके रखा था, बट बहुत अच्छे से रेडी था, मतलब एकदम, तो जियो के टाइम पे मैंने रेडी कर रखा था। எனக்கு ராஜாவானா வாழ்றே, எதுவும் இல்லைனாலும் ஆளுங்க, क्योंकि वो टाइम पे ही वहाँ से मैं सिलेक्शन हुआ था मेरा पटके का, फिर वही मैंने रखा था अपने बैग में। अभी बहुत टाइम के बाद ये पटके का आया, मुझे बीच में आते रहते थे पर मैंने वो पटका मेरे पास था, पर अभी पता नहीं मिल रहा ही नहीं है, मिल रहा ही नहीं है। फिर पता है ये मैंने एक लंबा सा परना था उसको काट के, पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने ये परना बनाया, इसको बेचारे को इतना छोटू कर दिया है, और ये पटके को काटा, फिर रस्सी बनाई, धागे से बांधा, अच्छे से नहीं बांधा है मैंने, आई नो, मतलब ये पटका है नहीं, ये पता नहीं एक लंबा कपड़ा है, उसको मैंने रस्सी ढाल के बांधा है। ये देखो पीछे से अगर आपको अच्छे से दिख रहा रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा कलाकारी की है। और पता है मैं ऑडिशन बताऊँ रूम की हालत ख़राब कर देता हूँ, ये देखो रूम की हालत, कोई इधर सामान उधर सामान, ये इधर उधर उधर उधर, बस मेरा ऑडिशन बनना चाहिए और यहाँ पे मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, बस ये तुम लोग की दुआ है। देखते हैं अभी क्या होता है रिजल्ट, अभी मैंने भेजा जस्ट ऑडिशन, देखते हैं क्या आता है। और मैंने बोला है कि मैं रेडी हूँ, उनको फ़ोन करके कि सर मैं रेडी हूँ, मुझे और फॉर्म चाहिए तो और फॉर्म बताओ। एक काम करता हूँ मैं ऑडिशन डालता हूँ, आप भी देख लो ऑडिशन कैसा है। मेरे गोलू मोलू। हाँ मम्मा, आलू के पराठे आए मम्मा। नहीं 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 मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपनी बॉडी से ध्यान देना यार, सॉरी मम्मा, मेरे लिए ओट्स लेके आ जी। वो वाला वीडियो देख लिया, तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे 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 ऑडिशन देने चाहिए, कैसे कैसे, मतलब जिसको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत भी, तो कैसे कैसे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये वाला मैसेज आया, देखो तो ये पूरा मैसेज आया, तो ये रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट के बाद मैं आपको मतलब पूरी फिर स्टोरी लाइन देते हैं कि क्या क्या ऑडिशन बनाना है। तो ये वाली स्टोरी लाइन देखो, पूरी पढ़ो ध्यान से। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अभी मेरा जो ऑडिशन है,
तो ऑडिशन तो आपने मेरा देखा। सो ऑडिशन देखने के बाद जब भी मैंने फर्स्ट ऑडिशन भेजा तो फिर मेरे को क्या बताया कास्टिंग डायरेक्टर ने, आप वो सुनो। इसमें आपने सब चीज परफेक्ट किया है, बस लास्ट में क्या है ना कि मॉम आपके रूम में आती है पराठा लेकर और वो आपको पराठा देने लगती है, तो फिर आप उन्हें सामने से ही मना करते हो कि नहीं नहीं, तो वो सारे रिएक्शन और वो मना करना वो सारी चीजें रहेंगी, बस ये इमेजिन करके कि मॉम अभी आपके सामने ही खड़ी है रूम में। तो गाइज मैंने ऑडिशन परफेक्ट बनाया वो बोल रहे हैं, पर मैंने क्या किया जब ऑडिशन बनवाया तो मैंने ऐसा दिखाया कि मेरी मम्मी मेरे से दूर से बुला रही है मेरे को कि आ जा मतलब आलू का पराठा रेडी, और मैंने दूर से आवाज़ मारी कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना ऐसा करके, तो उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी आपके सामने खड़ी है रूम में आई है आपके सामने, तो आपको सामने सामने मतलब बात करनी है कन्वर्सेशन करनी है। फिर वापस मैंने एक और ऑडिशन बनाया, मैं ढालता हूँ वो देखो। हाय हाय मेरे गोलू मोलू सेट है फिर। हाँ जी मम्मा, हाँ नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ, आलू के पराठे लाओ मम्मी दो। ओ नहीं अब नहीं नहीं मम्मी नहीं सॉरी, अरे मैं डाइटिंग कर रहा है मम्मी, मैं छोड़ देता है सारा कुछ। नहीं मम्मी एक काम कर, अब प्रोटीन शेक लेके हमारे लिए मुझे पड़ा है मम। नहीं मम्मी नहीं, मैं छोड़ दिया मैंने आलू का पराठा, घी भी खाना यार। हाँ जी मम्मा। तो ऑडिशन बनाने के बाद मुझे आता है फिर कि अभी ये सेम लुक में इंट्रो बनाऊँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह डालता था। ये देखो ऐसे मेरे को मैसेज करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर कि ये लुक में वापस से इंट्रो बनाऊँ, तो इंट्रो ये लुक में कभी भी कपड़े ऑडिशन बनाने के उतारने देने का, कभी भी इंट्रो बना के रखने का, चार फोटो इंट्रो बना देने का, फिर इंट्रो बना के मैंने भेजा। सत श्री अकाल जी, माय नेम इज गुरजीत सिंह एंड माय एज इज 20 एंड माय हाइट इज 5.8, करंट लोकेशन मुंबई एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। थैंक यू। अभी देखते हैं क्या अपडेट आता है, तो कल तक या कल तक मुझे आ जाएगा अपडेट कि तू सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी कभी सेलेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा करके रिजेक्ट ही होते हैं, क्योंकि मेरे जैसे मैं एक नहीं हूँ, बहुत सारे जाने हूँ मेरे से भी बेहतर बेहतर, मैं तो 0% हूँ, मेरे से बेहतर बेहतर एक्टर बाहर बैठे हैं। तो ऐसे ही मतलब मेहनत करते रहने का, पेशेंस रखने का, कभी भी अगर जो ये एक्टिंग फील्ड में है तो इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है। सो देखते हैं अभी क्या अपडेट आता है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि मेरा क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ। तो जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं तो लाइक कर देना, लाइक कर देना मत जाना वीडियो को, और हाँ बेल आइकन ऑन कर दो क्योंकि मैं कभी भी वीडियो डाल रहा हूँ, टाइम अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है।